अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी इन्वेंशन। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी S10 के बारे में। दोस्तों सैमसंग ने S10 और S10 प्लस ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है और पाकिस्तान में ये फ़ोन मार्च के अंदर लॉन्च हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको फ़ोन की प्राइस बताऊँगा और साथ ही साथ इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊँगा। प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊँगा विद डिटेल और कन्फर्म करके बताऊँगा कि क्या प्राइस होने वाली है इस फ़ोन की। और बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर जो डिज़ाइन है आपको फुली ग्लास बॉडी डिज़ाइन मिलता है और मिडल में आपको एल्युमिनियम का फ्रेम मिल जाता है और इसके अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। और इसका जो डिस्प्ले साइज है दोस्तों वो 6.1 इंचेस का सुपर एमोलेड आपको डिस्प्ले मिलेगा और इसका जो रेजोल्यूशन है वो क्वाड HD प्लस आपको इसका रेजोल्यूशन मिलेगा। और उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है और जो नॉच है वो पंच होल नॉच है। दोस्तों ये बात क्लियर कर लें कि S10 प्लस के अंदर फ्रंट पे डुअल कैमरा है और S10 में आपको सिंगल कैमरा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की, जो कि इसका एक ख़ास फीचर है। दोस्तों इसके अंदर आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों ये सबसे फास्ट है, जितने भी अभी तक फिंगरप्रिंट सेंसर आए हैं अल्ट्रासोनिक सबसे फास्ट है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में। और इसके अंदर जो एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है वो आपको 9.5 मिलता है। और इसके अंदर दोस्तों जो आपको रैम है वो 8 GB रैम मिलेगी और जो मेमोरी है वो 128 GB मिलेगी। और अगर आपको इसका अपर वेरिएंट यानी कि 512 GB वाला वेरिएंट भी लेना पड़ेगा तो उसके अंदर भी आपको 8 GB रैम मिलेगी और 512 GB मेमोरी मिलेगी। और S10 में सिर्फ 512 GB तक जो वेरिएंट है और S10 प्लस में आपको 1000 GB वाला वेरिएंट भी मिलेगा और 512 वाला भी, यानी कि उसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट है। तो वो मैं एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ अपनी पहले पुरानी वाली वीडियो में S10 प्लस की। और इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों S10 और S10 प्राइस इन डिटेल करके बता दूंगा। तो अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है दोस्तों वो स्नैपड्रैगन का 855 का आपको प्रोसेसर मिलेगा। और उसके अलावा दोस्तों एक और वेरिएंट भी है एक्सिनोस का 9820 वाला, जो कि ऑफिशियली यानी कि ग्लोबल वेरियंट है 9820 एक्सिनोस का जो प्रोसेसर है वो ग्लोबली वेरियंट्स में आता है और पाकिस्तान में भी यही वेरियंट आएगा 9820। ये भी सैमसंग का लेटेस्ट चिपसेट है 9820 यानी कि एक्सिनोस का जो प्रोसेसर है। और उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप की, बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। एक कैमरा दोस्तों आपको 12 MP का मिलता है जो कि वाइड एंगल लेंस है और दूसरा कैमरा दोस्तों आपको 12 MP का ही मिलता है और वो भी टेलीफोटो लेंस है। और जो थर्ड कैमरा जो कि मेन कैमरा है वो 16 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और जो फ्रंट पे कैमरा दोस्तों जो नॉच के अंदर है पंच होल नॉच के अंदर सिंगल कैमरा है S10 के अंदर और वो 10 MP का है। और उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक और सेंसर है जो कि आप दूसरी डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं वायरलेस, अगर वो सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग तो आप उस डिवाइस को भी S10 के पीछे रख के चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है और वायरलेस चार्जिंग दूसरे फ़ोन को भी प्रोवाइड कर सकता है। और उसके अलावा दोस्तों आप बात करते हैं इसकी बैटरी की, इसके अंदर आपको 3400 mAh की बैटरी मिल जाएगी विद फास्ट चार्जिंग। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, इसकी जो प्राइस होने वाली है दोस्तों वो 140,000 से 45,000 तक इसकी प्राइस होने वाली है। और डॉलर के अंदर इसकी प्राइस दोस्तों 999 USD इसकी प्राइस है और यूरो में 930 यूरो इसकी प्राइस बनती है और पाकिस्तान में ये कुछ अराउंड 140 के बन जाते हैं, यानी कि 140,000 से 45,000 इसकी प्राइस बन सकती है। और मुझे नहीं पता कि दोस्तों टैक्स लगने के बाद इसकी प्राइस और कितनी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम इसकी प्राइस जो 140,000 तक होने वाली है। और साथ ही साथ जो S10 प्लस है दोस्तों उसकी प्राइस भी आपको 2,10,000 के करीब करीब मिलेगी और हो सकता है कि अगर उसमें टैक्स लग गए तो वो 2,25,000-30,000 भी हो सकती है, लेकिन जो USD के हिसाब से जो कि $1,500 है S10 प्लस की प्राइस तो वो 2,10,000 बनती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं।